हेलो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस रोल्स। यदि दिए गए वाक्य में जनरली, यूजुअली, ऑफन, डेली, एवरीडे, ऑलवेज आदि शब्द आए तो उस पर उन सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन कौन से वर्ड होने चाहिए उस वाक्य में? जनरली, यूजुअली, USULLY, यूजुअली, ऑफन, डेली, एवरीडे और ऑलवेज। सेकंड नंबर, यदि वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, नेवर आदि शब्द आए तो हमें हैज या हैव और उनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि किसी वाक्य में क्या आए, ऑलरेडी वर्ड, जस्ट, येट, रिसेंटली, नेवर, तो ये वर्ड्स हों तो उस सेंटेंस में क्या होगा? हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि किसी वाक्य में थर्ड नंबर रूल, यदि किसी वाक्य में यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो और वंस आदि शब्द आते हों तो हम लगभग प्राय वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। किसका? पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। कौन से वर्ड होने चाहिए? यस्टरडे, लास्ट वीक या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो या वंस। तो ये वर्ड हों किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कैसा होगा? उसके जो वर्ब होगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग किया जाएगा। यदि किसी वाक्य में टुमेरो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आदि शब्द आए तो हम सेल या विल का प्रयोग करेंगे और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यानी कि टुमेरो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आदि शब्द आए तो सेल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे। तो ये थे इम्पोर्टेंट्स रूल्स जो हमने इस वीडियो में सीखे। और भी हम बहुत से इम्पोर्टेंट्स रूल्स सीखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नए लेसन के साथ।